हेलो पीपल, आज की मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने चार अलग अलग तरीके से लस्सी बनाई है, जिसे बनाना भी आसान है और टेस्ट में भी सब एक से बढ़कर एक है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी का मजा लीजिए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने इन सभी रेसिपी में होममेड दही का यूज़ किया है। अगर आप होममेड दही बनाना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैंने उसकी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर की है। अदरवाइज आप मार्केट की दही का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हम जार में एक कप दही ले लेंगे। दही डालने के बाद हम उसमें आम डाल देंगे। ये मैंने आधा कप आम लिया है। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे। अगर आम बहुत ज़्यादा मीठा है तो चीनी कम यूज़ करें। और लास्ट में थोड़ा पानी डाल के हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते टाइम ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना करें, नहीं तो लस्सी पतली हो जाएगी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़े आइस क्यूब डालेंगे। इसे हम मैंगो के पीसेस एंड ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये हमारी मैंगो लस्सी एकदम रेडी है। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए जार में 1 कप दही ले लेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। इसे डालने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल लेंगे। अगर आपने मीठा वाला कोको पाउडर यूज़ किया है तो आप चीनी थोड़ा कम यूज़ करें। अब एट लास्ट इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट को तोड़ के दही के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। ये मैंने ग्लास को चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो आप भी ऐसे कर लें। अब हम इसमें थोड़े आइस क्यूब डाल देंगे। ये हमारी चॉकलेट फ्लेवर लस्सी रेडी हो गई है। ड्राई फ्रूट लस्सी बनाने के लिए हम ब्लेंडिंग जार में 1 कप दही डालेंगे। अब हम इसमें चॉप ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फिर हम इसमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2.5 चम्मच डालें, नहीं तो 2 चम्मच काफ़ी है। फिर हम इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। एट लास्ट इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी लस्सी रेडी हो चुकी है। इसे अब सर्व कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्विंग ग्लास में इसे निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़े आइस क्यूब डालेंगे। फिर इसे चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। आप इस ड्राई फ्रूट लस्सी को ठंडा ठंडा पिएं। प्लेन लस्सी या पंजाबी लस्सी बनाने के लिए हम ब्लेंडिंग जार में 1 कप दही ले लेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। उसके बाद हम पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट एंड इलायची पाउडर डालेंगे। और एट लास्ट थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये जो हमारी लस्सी है वो रेडी हो चुकी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़े आइस क्यूब डालेंगे और इसे ग्रीन कोरिएंडर लीव से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी प्लेन लस्सी रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।